नोज से स्टार्ट करते हैं, तो नोज से यहाँ पे आएगा अपना ये वाला हिस्सा कर्व में। अब लोग गलती क्या करते हैं कभी कभार, ये हिस्सा आया और फिर ऐसे कर्व करके ये बना लेते हैं, पहले नॉस्ट्रिल नहीं, पहले जो पीछे कर्व वाला पोर्शन है वो बनाओ, उसके बाद यहाँ से जो हल्की सी नॉस्ट्रिल निकल रही है वो बनाना होता है। ठीक है, फिर आते हैं पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स लेने, यहाँ पे एक ये कट कर रहे हैं, ये कट कर रहे हैं, फिर यहाँ पे आ रही है नॉस्ट्रिल अपनी, लेकिन अब अपन को ये क्लियर नहीं है कि यहाँ से कितना है। ठीक है, तो नॉस्ट्रिल ड्रॉ कर लो, ओके ये ड्रॉ कर लो, हल्का सा मैंने ड्रॉ कर लिया तो मेरे को एक आइडिया लग गया कि हाँ भाई इतना नॉस्ट्रिल है, इतनी नोज स्टेम है। ओके, तो नंबरिंग दे देंगे अपन एक बार इसकी, सेम चीज अपन पेंसिल से कर लो अपने स्केच पे। बहुत लाइटली नंबरिंग करना, बहुत डार्क नहीं, क्योंकि फिर बाद में इरेज करने में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो नोज की जो स्टेम है कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये कौन सा पॉइंट आता, 3.6, तो 3.6 के कितने राइट में है, ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.6 कहाँ आया, यहाँ पे इसका 1 सेंटीमीटर ये आता है, फिर नीचे है तो ये इस पॉइंट को टच कर रहा है, फिर ये जो बेस है इसका ये कितना ऊपर है इस लाइन से, लाइन नंबर 8 से, तो वो आता है अपना 0.6 सेंटीमीटर, लाइन नंबर 8 से कितना ऊपर है 0.6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे अपेरेंटली। फिर कहाँ पे कट कर रहा है, दो जगह कट कर रहा है ये, एक इधर एक इधर, तीन जगह, तो तीनों के मेजरमेंट लेंगे 1.3। ठीक है, फिर एक आता है 1 और फिर एक आता है 0.7। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, 1.3, 1 और 0.7, फिर ये 0.5। तो इस तरीके से मैंने तीन मेजरमेंट्स ले ली, अब उतना काफी नहीं रहता है। ठीक है, कि मेजरमेंट ले ली, क्योंकि ये अब नॉर्मल सिर्फ फ्रंट फेसिंग नोज नहीं है, ये एक 3/4 स्ट्रक्चर में आ जाता है, जिसमें ये थोड़ा टिल्टेड फेस है, स्ट्रेट फेस होता तो अलग तरीके से होता। तो नोज देखो, अब नोज गलती क्या करते हैं लोग, ये पहले बनाने पे आ जाते हैं, तो वो नहीं बनाना, वो एंड में बनाएंगे। स्ट्रक्चर जो है वो कर्व है, जो नोज का ये वाला आगे का हिस्सा रहता ये कर्व है। ठीक है, अब बहुत ज्यादा कर्व भी नहीं रखना, ये गलती क्या करते हैं, यहां से लेके यहां तक कर्व ले जाते हैं, तो वो नहीं करना अपन को। कैसे करना है कर्व, ये देख लो कि यहां से लेके यहां तक का हिस्सा ये जो आ रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो ये है 0.8 सेंटीमीटर ऊपर और 0.5 सेंटीमीटर राइट, 0.8 सेंटीमीटर ऊपर, तो कर्व जो आया हल्का सा कर्व है, यहां आया और फिर यहां से एक और कर्व आएगा जो यहां जा रहा है। अब एकदम पॉइंटेड ही रखना है इसको, इनके बीच में एक थोड़ा सा कर्व्ड पोर्शन रखना है इसे। फिर ये हिस्सा जो टच किया, पॉइंटेड नहीं रखना है इसे, कर्व होगा नीचे और यहां पे आके ज्वाइन होगा इसे। ठीक है, थोड़ा सा फ्लैट छोड़ो, बहुत लाइटली ड्रॉ कर रहा हूं ये मैं, अभी डार्क एकदम नहीं कर रहा। फिर थोड़ा सा ऊपर आया, अब इसकी लेंथ भी चेक कर सकते हो, यहां से लेके यहां तक की लेंथ कैसे, वो है 0.5 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां की लेंथ 0.5 सेंटीमीटर आया, इसकी लेंथ ये, ठीक है इस तरीके से, और फिर ये आके कर्व हो गया इधर, फिर कर्व होके वापस इधर आया क्योंकि यहां कट कर रहा है और फिर यहां पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये राइट वाली नॉस्ट्रल ऐसे बन जाती है, राइट वाली नॉस्ट्रल की अब लेंथ क्या है वो भी एक बार चेक करो, तो वो आती है 0.75। ठीक है, अब नोज कहां खत्म हो रही है, यहां पे, तो इसका डिस्टेंस इस लाइन से कितना हुआ, 1.2, तो 1.2 पे मार्किंग लगाई, तो मतलब मैं जो कर्व बनाने वाला हूं वो इससे ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। तो यहां से पता है कि यहां से एक कर्व आ रहा है जो यहीं तक है,
और ऐसे धीरे धीरे ऊपर आ गया। ओके, इस तरीके से अपन ने नोज का कर्व देखा। अब बसता से किए वाला, तो इसमें क्या है, लोग गलती क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे उल्टा सीधा कुछ बनाने बैठ जाते, नहीं, ये धीरे से कर्व आया, इसी लेवल पे है, ठीक है, थोड़ा इससे ऊपर ही रहेगा क्योंकि फिर वो डेप्थ वाला एरिया है तो वो लेंथ हो जाएगा, तो हल्का सी ड्रॉ करना है ऐसे बस, ठीक है। तो इस तरीके से अपन नोज ड्रॉ कर रहे हैं, लेफ्ट आई, ठीक है। अब लेफ्ट आई देखो, जैसे अगर प्रिंट आउट क्लियर नहीं हो, क्या करो, ये टिप है, ये मार्क करी, यहां से कर्व ऐसे एंड होगा इस तरीके से, क्योंकि एंड में क्या है, अपन को आईलैशेस टाइप बनानी है, हल्की सी, हल्की सी, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, फीमेल टाइप आंखें लगेंगी, अपन नीचे का कर्व, तो अपन को तीन पॉइंट्स है, एक ये और एक ये, ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए। फिर यहां से यहां का डिस्टेंस की अपनी जो आएगा कर्व आएगा वो कहां पे खत्म होगा, तो ये तीन डिस्टेंस अगर मैं लूं, तो लाइक ऊपर से इस लाइन से कितना है, ये आता है 0.8 सेंटीमीटर, और इस लाइन से कितना है 0.6, तो 0.8 सेंटीमीटर ये हो गया और 0.6 सही है। फिर दो जगह कट कर रहा है, एक यहां पे एक यहां पे, उसका मेजरमेंट अगर मैं लूं, तो ऊपर से है 0.4 और नीचे वाले का है 0.8, ठीक है, तो ये आया 0.4 और ये आया 0.8, ये दो पॉइंट्स हो गए यहाँ पे, एक दो, ठीक है। यहां से कितना डिस्टेंस है इसका राइट में वो देखना है अपन को, ये आता है 0.8 सेंटीमीटर, तो मैंने 0.8 मार्क करा यहाँ पे ऐसे। तो मुझे आई के लिए एक पूरा पोर्शन मिल गया, अब बस मुझे शेप बनाना है। तो यहां से कर्व करते हुए, जैसे ये है, यहाँ पे स्टार्टिंग टिप में कर्व किया, वो ऊपर ऐसे धीरे धीरे गया, इस लाइन को क्रॉस किया और एक कर्व आया पूरा और पूरा, ठीक है। फिर नीचे की तरफ कर्व रहा, देखो एक चीज ध्यान रखना कैसे कर सकते हो, आई की जो विथ है, जैसे 0.5 सेंटीमीटर ऊपर बना लिया, यहां से 0.5 सेंटीमीटर इस तरीके से, ओके, ये आया। इसके अंदर आयरिस बना लिया, आयरिस ऐसा नहीं पूरी आंख काली कर दो, नहीं, आयरिस असल में सिर्फ यहां से ऐसे कर्व करो और यहां पे एंड में क्या है, डेप्थ है, इसलिए वो अपन को पूरा डार्क दिख रहा है। फिर आई के ऊपर कवरिंग सी देनी है अपन को, हल्की सी इस तरीके से आएगी, आई के नीचे जो रिंकल्स टाइप है वो धीरे धीरे आएंगे, देखो अपने हिसाब से मत बनाना, यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर नीचे है, ये 0.5 सेंटीमीटर नीचे आ रहे मेरे, साइज के हिसाब से बनाना, इतना करने के बाद हल्के हल्के आईलैशेस से बना दो, ताकि जब शेडिंग करें अपन तो अपन को एक आइडिया रहे कि हाँ भाई यहाँ पे हल्के से आईलैशेस टाइप है, ठीक है। तो इतने में अपनी लेफ्ट आई बन जाती है।